Good afternoon all, this is Deep Gajband. Along with me there is a fantastic personality who is one of the pillar of this mutual fund industry, and I am looking at this chap's last almost 10 years. The authenticity, the man, the person and the thoughts and the wisdom what this person has been built into the industry is amazingly great. And this is none other than my very good friend Mr. Jos Heber Joseph. He was the amazing chap. मतलब आपको अगर एक humbleness, knowledge, authenticity और इनडेप्थ सोचने का अगर कोई पर्सनैलिटी आपको इंडस्ट्री में चाहिए तो आई बिलीव दिस इज अ मैन टू होम यू कैन रियली स्पीक विद. टुडे वी आर हियर बेसिकली टू हैव द डिस्कशन ऑन द वन ऑफ द फैंटास्टिक फंड व्हाट एक्चुअली इज ब्रिंगिंग इनटू द इंडस्ट्री. बट बिफोर टू दैट जॉर्ज सर वॉज इन टू द बेस्ट ऑफ द ब्रांड्स इन द इंडस्ट्री अर्लियर एंड नाउ ही इज हेडिंग द कंपनी कॉल्ड एज आईटीएन म्यूचुअल फंड. आईटीएन म्यूचुअल फंड बेसिकली वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इन द इंडस्ट्री, बट नाउ दे हैव कम अक्रॉस इन द म्यूचुअल फंड इन लास्ट 2 years नाउ एंड ही सक्सेसफुली बिल्डेड द 3 big brands इन द इंडस्ट्री with ITI Balance Advantage, ITI Small Cap and ITI Multi Cap. So ITI Multi Cap when it came, it was a fantastic hit and now also it is doing roaringly great numbers out of it. And he's having the rich experience of almost 27 years now and he's still going ahead. So I always, whenever I need something which is called as a knowledge, I always ask George sir. So without delaying now, we're going to start about his fund and why actually he's coming across with this particular fund at this point of time, that we're going to start with. So the first question to George sir to you is why this large cap at this point of time when the large cap rallied so much in the industry and you still feel that NFO like energy? Sir, you know, both धन्यवाद, you know, for the introduction. Sir, you know, आपके साथ बात करने में बहुत मजा लगता है. And you know, and secondly, हमारा long term relationship है in the mutual fund industry. उसी हिसाब से देखेंगे तो मुझे you know ये मौका के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. And you know, we'll keep interacting like this many times in the future also. To all your viewers, you know, and all your app followers, I would like to say that it's been a fantastic time to be in the markets, and very very happy new year to all of you. It is we are entering into the new year with a bang, you know, with a huge amount of liquidity across globe, and my view is that in next 1 year or so, one and a half years also, liquidity is going to be very very strong. क्योंकि आप देखेंगे तो US में मनी सप्लाई ग्रोथ करके एक चीज होती है, यू नो दैट काउंट्स द ग्रोथ ऑफ द मनी सप्लाई इन US. उसी हिसाब से द ग्रोथ इज सिग्निफिकेंट इन दिस ईयर, व्हिच इज 25% 24.4% टू बी प्रिसाइज. वो मनी सप्लाई ग्रोथ में द क्वांटम ऑफ FII मनी, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस मनी इंडिया में आने के लिए बहुत चांसेस है. अगले 1.5 साल के अंदर मेरा व्यू है कि 25 बिलियन से 50 बिलियन डॉलर तक इंडिया में फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा आने का चांसेस है. वो लिक्विडिटी बूम होने वाला है मेरे ध्यान से. सो दैट कुड बी द मेजर ड्राइवर फॉर द रन अप इन मार्केट्स गोइंग फॉरवर्ड. अदरवाइज व्हेन यू लुक एट यू नो लार्ज कैप स्टॉक्स, पहले ज्यादा लिक्विडिटी उसमें आता है, इसलिए तो वी हैव सीन दैट यू नो लिक्विडिटी हैज ड्रिवन लॉट ऑफ लार्ज कैप्स, एस्पेशली 15 लार्ज कैप स्टॉक्स हैव बीन गोइंग अप. इफ यू सी निफ्टी 50 में देखोगे 15 स्टॉक एवरी डे वाज मूविंग अप इन द लास्ट 3 इयर्स एंड बैलेंस 35 स्टॉक्स हैव एक्चुअली गॉन डाउन. सो इफ यू इन दैट सेंस 35 स्टॉक्स आर वेरी चीप एंड 15 स्टॉक्स आर वेरी एक्सपेंसिव. तो हमेशा ये सब सोचना चाहिए, लार्ज कंपनीज, अच्छे अच्छे कंपनीज, मोनोपोली कंपनीज आपको बहुत चीप वैल्यूएशन में मिल रहा है आज की तारीख में, वो तो छोटा नहीं चाहिए, राइट? 2000 में भी हम लोगों ने सेम चीज देखा है. टेक्नोलॉजी ऊंची वैल्यूएशन में ट्रेड हो रहा था एंड यू आर सीइंग दैट यू नो सम ऑफ द ऑल एंटायर मार्केट वाज वेरी वेरी चीप. सेम वे राइट नाउ 35 स्टॉक्स इन निफ्टी इटसेल्फ इज वेरी वेरी चीप. आज की तारीख में ये करना चाहिए, 15 स्टॉक छोड़ के 35 स्टॉक से निफ्टी देखना चाहिए. पर टॉप 100 का यूनिवर्स हमारा लार्ज कैप के लिए है, उसमें 20 स्टॉक एक्सपेंसिव होंगे, 80 स्टॉक चीप है. 80 स्टॉक्स में हम लोग फोकस करना चाहिए, 20 स्टॉक छोड़ देना चाहिए. राइट, तो आई थिंक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी
जो भी जो कंपनीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो कंपनीज इंडिया का बेहतरीन कंपनीज है सेक्टर में, वो मोनोपोली कंपनीज है, वो कंपनीज का कोई बनने का कुछ चांस नहीं है कंपनीज का। एंड दो दो साल का इबिटा में कंपनीज मिल रहा है, मतलब यू नो ओके okay. कंपनीज 2 साल जिंदा होने वाला है, वो ऐसा सिचुएशन होने यू नो हो ही नहीं सकता बिकॉज दे आर मोनोपोली इन दैट सेक्टर्स। फॉर 2 टाइम्स इबिटा यू आर गेटिंग अ कंपनी यू कैन नॉट लीव इट। सो दैट इज अ काइंड ऑफ डॉलराइजेशन इन द वैल्यूएशन व्हिच हैज हैपेंड। वी लाइक द 35 कंपनीज इन निफ्टी एंड वी डोंट लाइक 15 कंपनीज इन निफ्टी व्हिच इज वेरी एक्सपेंसिव। सो द सिंपल थिंग व्हिच यू हैव टू डू इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज buy into the cheap companies and hold on to it forever till the value unlocking happens. So that is the main reason what for what actually we are coming across with the large cap. We see a brilliant opportunity in large cap itself, and that's why we are coming with them. Super good. सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आईटीआई म्यूचुअल फंड का एक एसक्यूएल करके फॉर्मेट या फ्रेमवर्क है पूरा, सो सर फिलॉसफी है, सो कैन यू प्लीज जस्ट शो और थ्रो सम लाइट ऑन दिस एसक्यूएल फिलॉसफी। या इट्स वेरी सिंपल सर, यू नो एस एस मतलब यू नो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसके लिए तो हम लोग को सिंपल रखा हुआ है एस सेफ्टी, सेफ्टी इज द सिंपल प्राइस। सो व्हाट डज इट मीन इज यू हैव टू बाय चीप और यू नो यू हैव टू बाय एट लो लेवल्स, देन ओनली यू विल मेक मनी, राइट? सो दैट्स एज सिंपल एज दैट इन स्टॉक मार्केट्स और एनी अदर थिंग। व्हेन यू आर गोइंग एंड बाइंग इन Amazon, यू नो इफ यू बाय चीप ऑटोमेटिकली द चांस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज वेरी लेस। For always buy cheap is what, or buy attractive valuation should be the focus as an of an investor. In that sense, margin of safety is very important. फिर 100 रुपए का चीज आप 50 रुपए में ले रहे हो, तो आपको 50 रुपए का margin है उसमें, right? And 100 रुपए 30 रुपए में ले, तो आपको 70 रुपीज का margin है, right? So that is the margin of safety. तो 100 रुपया actually value होना चाहिए market में. Near-term pressure, near-term sell-off by institutions for yes, 100 rupees get 30 rupees will get. Right. So that is what the margin is. If you are buying at 30, then you know your chance of downside is limited. If you are buying at 100, you know, and if it goes to 30, 70 rupees ka downside. Mm-hmm. If you are buying at 30, maximum downside can be only 30 rupees. Right. Right. So that way, margin of safety is very important. That is S. Q is quality of the business. तो हम लोग जो भी चीज लेने मार्केट में जो भी चीज लेने के लिए जाता है हम लोग क्वालिटी देखते हैं, ये पेन का क्वालिटी क्या है। अच्छा पेन मेरे को चीप में मिल रहा है, देन यू नो इट इज गुड। इफ इट इज ए खराब पेन मेरे को चीप में मिल रहा है तो कुछ मतलब नहीं। सो ऑलवेज गो फॉर गुड क्वालिटी थिंग्स, राइट? दैट इज व्हाट यू नो जनरली ह्यूमन टेंडेंसी इज, गुड क्वालिटी हम लोगों को अच्छे प्राइस में मिल रहा है, दैट इज व्हाट वैल्यू फॉर मनी, राइट? सो सेम थिंग अप्लाइज फॉर इन्वेस्टिंग ऑल्सो। Right. For good quality business, हमको cheap valuation में मिल रहा है, nothing like it. For that time, you cannot leave it, right? And that is quality of the business, which we call it as Q. L is low leverage. Low leverage is very very important in investing. क्योंकि low leverage मतलब you know जितने companies में debt कम होना चाहिए, जितना debt बढ़ते जाता है तो company बंद होने के chances ज़्यादा है, कंपनी का कंपनी प्रॉब्लम में फंस जाता है, कंपनी को डेट ट्रैप से बाहर आने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें डाउन स्केल कभी भी आ सकते हैं, लाइक कोरोना कभी भी आ सकता है, और जो भी है डिमोनेटाइजेशन कभी भी आ सकते हैं। वो ये सब यू नो बिजनेसमैन के कंट्रोल में नहीं है। तो क्योंकि वो बिजनेस में जो जो बिजनेस में डेट कम है वो बिजनेस सर्वाइव करेगा, right. तो डेट में फंस जाएगा। Because SQL developers बोल के you know IT sector में बहुत use होता है SQL developer बोल, yes. So it is very easy to remember also. Right. Even IT guys in India will easily understand what is SQL. So that's what you know we try to relate to. Super great, super great. सो सर ये जो हमारा आईटीआई का नया फंड है ये हम लोग वैल्यू स्टाइल में करने वाला है या फिर ईएसजी स्टाइल में करने वाला है या फिर कोई दूसरा इक्विवेलेंट जिसका कोई स्टाइल है जिसमें हम लोग इसको मैनेज करने वाले हैं? स्टाइल
ये तो हमारा नॉर्मल स्टाइल ऑफ आईटीआई म्यूचुअल फंड इज यू नो गार्न विच इज ग्रोथ एट रीजनेबल प्राइस. तो जो भी हम लोग को चीज मिलता है हम लोग को वी आर नॉट रेडी टू पे एनी प्राइस बिकॉज़ बहुत महंगा. लाइक से फॉर एग्जांपल एप्पल लैपटॉप आपको दो प्राइस में मिल रहा है अमेज़न में. फॉर एग्जांपल आपको एक महंगा प्राइस में सेम कॉन्फ़िगरेशन का मिल रहा है और यू नो दूसरे फ्लिपकार्ट में आपको कम प्राइस में सेम कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है. जी व्हाट विल यू चूज? यू विल चूज द चीपेस्ट वन राइट बिकॉज़ फ्लिपकार्ट में सेम चीज मेरे को सेम कॉन्फ़िगरेशन का चीप में मिल रहा है इसलिए तो वो चूज करेंगे. राइट आवर सिंपल फिलॉसफी इज दैट यू शुड नॉट ओवरपे फॉर एनी बिजनेस राइट और एनी स्टॉक व्हाट यू आर बाइंग. You have to pay at a reasonable price because mehenge cheez you know at very very attractive valuation mein milna bahut mushkil hai. Very rarely it comes right. So good businesses will always trade at a reasonable price or a fair value, and whenever it comes to very attractive levels, you know, nothing like it, you should not leave it and you should you know grab it. So our general style of investing is growth at reasonable price, gar ko bolte hai, not growth at any price. Acha. Right. So the second is, but you know, we as the SQL investment philosophy on top of it, if you overlay, what we do is that you know we have to buy cheap, and we have to buy attractive levels, and we have to buy low leverage companies and good quality business. If you do that and follow the style in a very very sensible manner consistently, then you know return will be made. Now in this case. In the large cap fund, what we are seeing is that you know great companies are available very very cheap. So as I mentioned earlier, great companies cheap valuation mein milta hai, though you should not leave it. So that is why I said you know 2x EBITDA mein monopoly gold company available hai. And 5x earnings mein or 0.8x book mein price to book mein you are getting the best you know power generation company in India. You are getting the best oil and gas pipeline company in India at you know 6x earnings. Right. You are getting for like that you know you are, if you look at the entire bouquet of or the you are getting the best public sector bank in India at a 0.8x book. So you are in that way if you look at it you know the business cycle is just at the verge of improvement, and at that point in time you are getting these businesses which are cyclical businesses. At a very very attractive valuation, so the chance of for you to lose money is very less any which ways because you are buying cheap. And पिछले 7 महीने में भी ये companies चला नहीं, ऐसा नहीं है ये companies भी वो तो पिछले 7-8 महीने में वो तो rally करते रहे, वो ऐसा नहीं था. पिछले 8 महीने से वो तो companies actually मार्च price से भी नीचे कई भी companies हम लोग जो भी देख रहे हैं, तो ये value orientation तो है clearly. मतलब इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ द बिजनेस 100 रुपया है, आपको अभी 20 रुपया 30 रुपये में मिल रहा है, वो चीप कंपनीज ही ले रहा है. इसमें आज की तारीख में पब्लिक बोलेंगे वो तो वैल्यू कंपनीज है क्योंकि वो तो कंपनीज में ग्रोथ नहीं दिख रहा है, बट कंपनीज में ग्रोथ आगे आएगा तभी आप बोलेंगे वे तो ग्रोथ कंपनीज है. तो ये तो वैल्यू ग्रोथ का ये डेफिनेशन हमेशा तो कंफ्यूजिंग है. Right. तो हम लोग एक ही चीज सोचते हैं वो तो 100 रुपए का चीज हम लोग 30 में ले रहे हैं 50 में ले रहे हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है क्या? सो दैट इज कॉल्ड वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉर अस. वी डोंट बॉदर अबाउट यू नो वेदर इट इज वैल्यू स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक. मेनी टाइम्स आई हैव सीन ग्रोथ जब भी मिसिंग होता है, लाइक जस्ट टू टेक एन एग्जाम्पल आई एम सेइंग सन फार्मा फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख में कंपनी में ग्रोथ नहीं दिख रहा है इसलिए पब्लिक बोल रहा है ये तो वैल्यू स्टॉक है. ये तो अजीब है, यू नो पिछले 25 साल ही कंपनी 20% के ऊपर ग्रो करते रहे एंड यू नो पिछले 5 साल में तो ग्रोथ नहीं है राइट. तो तभी इमीडिएटली बोलने लग गया ये तो ग्रोथ कंपनी है ना, ये वैल्यू कंपनी. वैल्यू कंपनी नहीं हो सकता, ये कंपनी ग्रोथ कंपनी, ग्रोथ अभी मिसिंग है राइट. फॉर ग्रोथ तभी गुड ग्रोइंग कंपनी ग्रोथ मिसिंग होता है, व्हाट हैपेंस इज दैट यू नो पीपल लूज इंटरेस्ट इन दैट स्टॉक एंड देन दे डंप द स्टॉक. And you know, then it will go to any cheap valuation. For today, these companies are trading at a very cheap valuation. Like ITC, for example. पिछले 30 साल में वो तो grow करते रहे, और पिछले 5 साल से grow नहीं कर रहा. And people are saying it's a the company gone for dumps. वो तो recency effect बहुत ज़्यादा है. Public तो पिछले 2 साल 3 साल 5 साल के view you know ज़्यादा दिमाग में लगता है. And you know पिछले 30 साल company grow किया वो तो भूल जाता. Right? So when you see these kind of anomalies happening, you have to jump onto that stock and buy it. So that is what you know. The portfolio is tilted towards value kind of
approach which generally people are talking. But many companies we can see they can actually go into a growth mode. तभी re-rating होगा, value unlocking होगा, and also EPS growth भी मिलेगी. Alright. So today what we are saying is that's what happened in 2003 to 2007. Right. So मेरा वही question आने वाला था कि please, sure. All these companies what we are talking about cyclical companies, right. जो भी हम लोग large cap में लेने की कोशिश कर रहे हैं, right. वो सारे companies 2002-2003 में कोई भी fund manager को पूछेंगे तो बोलेगा ये तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए. फिर वो कंपनीज में इतना ग्रोथ आया, 30-30% का सीएजीआर ग्रोथ आया, एंड स्टॉक्स भी तो 40-40% हर साल देते गया. तो उसके बाद यू नो अपने एनी फंड मैनेजर को पूछेंगे तो बोलेगा ये ग्रोथ कंपनी. तो ये तो मिसनॉमर है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट आई एम थिंकिंग अबाउट दैट साइकिल, बिजनेस साइकिल काइंड ऑफ स्टार्टिंग नाउ, एंड इट कैन ऑल दीस लो ग्रोथ कंपनीज टुडे कैन बिकम ए हाई ग्रोथ कंपनीज गोइंग फॉरवर्ड. सो मोस्टली दिस विल बी द ग्रोथ पोर्टफोलियो, बिकॉज मेरा वही क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला था कि सर ये वैल्यू अप्रोच है कि ग्रोथ अप्रोच है, बट उसको ऑलरेडी आपने एड्रेस कर लिया है. सो इट्स मोस्टली अ ग्रोथ अप्रोच, ग्रोथ पोर्टफोलियो इन अदर वे. अल्टीमेटली इफ इट इज नॉट नॉट ग्रोइंग कंपनी देन वी हैव टू कंपेयर अगेंस्ट अ बॉन्ड. सो बॉन्ड तो ग्रो करता है, कैश फ्लो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, एवरी ईयर यू विल गेट दिस कैश फ्लो. Right. That is what the bond is, right? Right. So if it is a company which is not going to grow, you have to compare against a bond. Right. But if the company is, then you know, then the mispricing opportunity is also very less. Right. Growth mein hamesha upside aa jata hai. Like say for example, 2000. Just to give an example, 2016 mein, I was an ICICI Prudential Mutual Fund at that time. I bought almost 10% of IPCA Laboratories in my funds. Right. Average price at which we would have bought would have been, you know, approximately 400 to 430 rupees. Now, 10% of the company I have bought, and my fund size were big, so we bought 10% of the company. But the thing is that, you know, at that time the company was going through a tough situation. Growth बिल्कुल नहीं थे, पिछले 20 साल तो grow कर रहा था, and वो time पे उसका growth सारे वो तो opaque हो गया, and public बोलने लग गया ये company गया, इसके growth आने वाला नहीं. तो तभी जाके हमने खरीदा, एंड यू नो पीपल वर सेलिंग, म्यूचुअल फंड्स वर सेलिंग एग्रेसिवली एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो वी बॉट ऑल द क्वांटिटी व्हाट एवर वाज अवेलेबल एंड सैट टाइट ऑन. फॉर टुडे दैट कंपनी इज कंसीडर्ड टू बी द बेस्ट ग्रोइंग कंपनी, एंड द स्टॉक हैज मूव्ड अप 5 times. या राइट. फॉर 400 से 200 2000 हो गया, यू नो. राइट. फॉर दैट इज व्हाट हैपेंस इन अ गुड रीरेटिंग भी मिल जाएगा आपको, एंड अर्निंग्स ग्रोथ भी मिलेगा, एंड यू नो देयरफॉर द रिटर्न्स विल बी फैबुलस. सुपर गेड. सो मुझे एक चीज और बताइए सर इसमें कि हम लोग इसमें कुछ टैक्टिकल कॉल भी लेने वाले हैं इस फंड में आने वाले टाइम में. या फॉर टैक्टिकल कॉल तो हमेशा होता ही है, बिकॉज़ यू नो 80% ऑफ द पोर्टफोलियो विल बी वेरी वेरी कोर स्टॉक्स व्हिच वी थिंक यू नो वी हैव टू होल्ड फॉर द नेक्स्ट 3 टू 5 इयर्स. बट 20% ऑफ द स्टॉक माइट बी यू नो टैक्टिकल स्टॉक्स डिपेंडिंग अपॉन सर व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स यू नो वी बिलीव दैट दिस स्टॉक हैज टू बी हेल्ड फॉर 3-4 इयर्स. Now suddenly the stock runs up above our fair value. We have a fair value estimate for 1 year, 2 year, 3 year. Sometimes market starts giving the value much earlier. And the stock might move up above our 3 year fair value also in a year's time. Then we have to think if HK dusra kuch lena hai. So that also happens. Sometimes what happens is 80% of the portfolio, you know, 20% will be tactical bets, like not necessarily 10% to 20%. It could be that, you know, suddenly stock falls on a news and, you know, you get an opportunity. Or, you know, suddenly there is a government action because of which, you know, company may kharab dikhta hai, and, you know, then full stock. Like, you know, what happened in the case of Bharat Electronics, for example, when suddenly they reduced the margins for the company and the company went into, you know, significant sell-off mode. Yeah. But at that time, you get that opportunity. People panic and, you know, sell aggressively. And that time you enter looking at the fundamental situation thoroughly, analyze karke, वो तो लेना मांगता है. फॉर दैट टाइम यू गेट अ बिग मिसप्राइसिंग अपॉर्चुनिटी, एंड व्हेन थिंग्स एवरीथिंग सेटल्स डाउन एंड पीपल रियलाइज दैट इतना बुरा नहीं था, सो बाय द टाइम द प्राइस रिकवर्स, सो यू गेट दोस काइंड ऑफ टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज आल्सो. फॉर दैट आल्सो वी वुड लाइक टू. फैंटास्टिक सर. एक और मेरा एक क्वेश्चन ये था कि विल इट बी द वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और लिटिल बिट ऑफ द फोकस्ड और समथिंग लाइक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो उसको रखेंगे.
उसमें 30 से 40 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो रहेगा एंड काफी डाइवर्सिफाइड भी होंगे. लाइक लार्ज फार्मा हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, फोबियो लैब, सम लार्ज कैप फार्मा कंपनीज. एफएमसीजी हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, वैल्यूएशन बहुत महंगा लगता है. तो उसमें मे बी आईटीसी के अलावा कुछ स्टॉक्स लेने जैसा हम लोगों को नहीं दिखता है, वो तो रहेगा नहीं. एंड यू नो वी विल बी हैविंग फॉर एज अ इंस्टेड ऑफ keeping FMCG stocks and all, you know, we will be happy to keep pharma in that regard, because pharma the business cycle is improving and it is so cheap also compared to FMCG or other companies. We will have some IT companies which are the best run companies in the IT sector. We will have that, so that will compensate, like pharma and IT will compensate for the FMCG underweight what we will be having. So that is a thought. And then, you know, we will have capital goods, real estate, some companies, all leaders in their respective fields, and some of the mining companies which are trading at a extremely extremely attractive valuation. ये valuation मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे वो तो sustain होगा. तो ये those we will buy. Some genco, power gencos will be there, generation companies will be there. Then we will have some corporate banks will be there. You know, even including some PSU banks. And which we think it is very, very attractively valued. Some of them are trading at 0.2 times, 0.3 times also. And these all stocks, if you look at 2007 to 2008, in all blue chip funds, there was 5-5% weightage. Hota. Right? So if you look at the blue chip funds in 2007, you know, Punjab National Bank and Bank of Baroda used to be 5-5% of the portfolio. Right. Today, people are saying that these are all bad. You know, market, different phases होते हैं market पर. Right. My feeling is that, you know, you attack to get all these in a very, very serious manner and, you know, buy into it. And you keep a 3 to 5 year window. Because वो important है. Because एक महीना, दो महीना, तीन महीने का performance देख के फिक्र होके कुछ मतलब नहीं. So, एक 3 साल के window रखना चाहिए. जो भी equity fund में invest करते हो, अब I want to tell all your viewers and investors, then you know keep a 3 year window minimum if you are investing in an equity fund, so that you know aapko actual potential of the fund mil jayega. Otherwise to small cap fund mein paisa dal ke 6 mahine ke andar nahi performance nahi aaya, ye nahi aaya, this is not going to work. Hum log 30 30 saal se, you know, jo stocks mein 1991 mein kharida tha, main idea mutual fund mein jaa kar ke becha, so that's how I made wealth for myself. So, you know, kaise wo to main bolunga ye 2 mahine ke andar 3 mahine ke andar wo tha आपका व्यू चेंज करना चाहिए. वो हम लोग स्टॉक्स में थोड़ा ऊपर नीचे करता है बिकॉज़ ऑफ द सडन रन अप एंड ऑल दोस थिंग्स, बट अदरवाइज ब्रॉडली यू हैव टू कीप अ 3 ईयर विंडो व्हाइल यू आर इन्वेस्टिंग. इवन मार्च में आपको क्लियरली पता होगा, यू नो आई वाज बिंदास पैसा डालने के लिए मैं बोला था मार्च महीने में. यू सी मार्च फैक्ट शीट और अप्रैल फैक्ट शीट और मई फैक्ट शीट, वी हैव बीन कंटीन्यूअसली सेइंग स्मॉल कैप में बिंदास पैसा डालो, हमारे इक्विटी फंड्स में बिंदास पैसा डालो, लमसम डालो, क्योंकि वैल्यूएशन इतना सस्ता हो गया सब जगह पे, तो इधर से नीचे जाने के चांसेस ही नहीं है. लाइक मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना बढ़ गया, विच इज आवर कोर फिलॉसफी. देन यू नो देन ऊपर ऊपर का भी जाएगा वो तो सोचने का नहीं, वो तो मार्केट अपने आप लेके जाएंगे. राइट, सो व्हेन द वैल्यूएशन बिकम्स वेरी अट्रैक्टिव, यू नो यू कैन नॉट लीव इट. सो दैट टाइम यू नो वी क्लियरली टोल्ड ऑल आवर पार्टनर्स एंड इन्वेस्टर्स टू पुट एग्रेसिवली, क्योंकि तभी पैसे डालेंगे तो आपका एवरेज चेंज होगा. Then investor returns बहुत अच्छा दिखेगा बाद में. Like so आज की तारीख में से for example हमारा small cap fund has generated say 6% return. But most of the people have average in their return will be 25-30%. So that is the difference. So we wanted that kind of approach. You know, even an equity fund, because if 10 रुपए के मैं आपको एक stock खरीदा and you know 2 महीने के अंदर like February we launched the कुछ मतलब नहीं है. इंडिया जैसा कंट्री है
उसमें ये इंडिया जैसे कंट्री में मार्केट जब भी गिरता है तभी तो बिंदास इन्वेस्ट करके छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी. सो बिफोर आई वुड टू आस्क द लास्ट क्वेश्चन, माय वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ से 5 साल आपको क्या लगता है सर, क्या सीएजीआर आप एक्सपेक्ट करते हो कि एक आध नॉर्मल एवरेज पोर्टफोलियो में या फिर लार्ज कैप और मल्टी कैप टाइप के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टर्स ने एक्सपेक्ट करना चाहिए? सर यू नो माय बिलीफ इज दैट इन स्मॉल कैप विल बी द बिगेस्ट रिटर्न कैटेगरी फॉलोड बाय मिड कैप्स एंड देन लार्ज कैप. The return, if you are investing in the normal large cap style investing, क्योंकि you know benchmark में जो भी stocks है उसमें ऊपर नीचे करके आप invest करोगे, आपको ज़्यादा return नहीं बनेगा, because already महंगा हो गया broad index, Nifty index, right? तो उसमें आप value zone में invest करोगे, आपको तो भयंकर return आएगा. तो my feeling is in next 3 to 5 years, if you have a window in your mind, आपको small cap इंडेक्स में आई थिंक 200% के ऊपर रिटर्न आने के चांसेस है. कैटेगरी में बोल रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माय फंड, बिकॉज़ आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट माय फंड पर्सन, बट आई एम सेइंग दैट इन द कैटेगरी स्मॉल कैप कैटेगरी कैन पोटेंशियली गिव 200% काइंड ऑफ रिटर्न. माय गॉड. एंड मिड कैप आल्सो मे बी अराउंड 130-140% काइंड ऑफ रिटर्न कैन कम. माय गॉड. एंड लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स आई वुड एक्सपेक्ट इन 3 इयर्स टाइम विल जनरेट अराउंड यू नो 40-50% रिटर्न. But if you are having a value strategy like what we are thinking of buying a bunch of attractively valued stocks in the large cap space, I think the return can be anywhere between, if that kind of strategy, anyone who is playing, you know, that category, that segment of large caps can potentially give 80-90% kind of return. So it will be a very interesting return which can come in the large cap space itself. From these levels I'm talking about. If there is a correction in between and if you buy more in that correction, you know that is additional return. So that will be a bonus to you. Super great. So sir, before to leave, just most important USPs at this point of time, आपने काफी सारा brief किया, but still I want at nutshell, at a brief, again, what are those reasons for what the investor has to again concentrate at this point of time for the ITI large cap fund? Yeah, for 5 points you have to remember is, number one, it is a fund which is buying into a bunch of very cheap or attractively valued stocks. For downside limited hai, upside jada hai. But that is number one. Second is, you are buying into monopoly companies, large companies. Ye toh companies which don't go out of flavor or you know out of business very soon. Sare businesses mein cash pada hua hai. Like the हमेशा ऊपर की तरफ नहीं और नीचे की तरफ भी मार्केट आता है. So great. Right? So market नीचे की तरफ आने के टाइम पे भी आपको ज्यादा नहीं होगा क्योंकि ये बड़ा शिप है, वो it can sail through rough waters very easy. Right? So in that way it is a very beautiful portfolio. Lastly the portfolio I would say is that it is a very unique strategy which we are going to follow. क्योंकि normal large cap fund जैसे हम लोग बनाएंगे तो then the return potential will be less. It is like a 3-year window, 4-year window if you have, then this is a product to look at from a clear large cap strategy point of view. Hamesha, large cap should be a part of your portfolio. Say, 100 rupees aap market mein lagate ho, thoda bahut, you know, 20-30% aapka toh large cap mein hona hi hai. Right? So, in that sense, a good value large cap kind of fund at this point of view. It is not that hamesha hum log value chala rahe hain. वैल्यू फंड में आपको पैसे लगाते हो आपको वैल्यू फंड ही मिलेगा, बट इसमें तो ऐसा नहीं है. अभी मार्केट का माहौल देख के और वैल्यूएशन देख के हमको लग रहा है वैल्यू लार्ज कैप का जैसा फंड बनाना चाहिए. 3 साल के बाद ये तो डिफरेंट ही होगा, ग्रोथ लार्ज कैप होगा. राइट. तो अभी तो वैल्यू किधर बना सकते हो, किधर पैसा बन सकता है, उस हिसाब से हम लोग पोजीशन कर रहे हैं. राइट. सो इट इज अ वेरी, सो दीस आर द 5 पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन माइंड. Very attractive stocks, market leaders को ले रहा है,
and you know and market leaders ka portfolio hai, and then it's a bunch of very attractively positioned companies in their respective fields, and they are monopoly in that regard. Therefore, you will बेनिफिट तो मिलना ही है आपको 3 से 5 साल के अंदर, फिर यू विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू इन्वेस्ट इन एंड यू होल्ड ऑन टू इट फॉर 3 to 5 थैंक यू सर, इट वॉज अमेजिंग टाइम विद यू एंड आई एम श्योर दैट एवरीबडी नोज सो मच ऑफ इनसाइड। ये पूरा 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस था जो आपने पिछले 15-20 मिनट में लोगों को बताया है, एंड एवरीबडी विल गोइंग टू गेट द बेनिफिटेड ऑफ इट। सर्टनली आई टी ए लार्ज कैप फंड विल गोइंग टू डू बेटर एज वॉट अदर 3 funds हैज बीन डन बेटर इन टू द इंडस्ट्री, एंड यू विल सर्टनली गोइंग टू सेट द बेंच मार्क्स दैट। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग योर टाइम सर। लास्ट सेंटेंस इफ यू वॉन्ट टू से एनीथिंग आउट ऑफ इट। Yeah, thank you, Vidvisa. You know, well, I'm very happy to be with you today. Very interestingly, you know, you are doing a good work. You know, one is, you know, giving an honest financial advice, number one. Secondly, that is very important for investors. You know, I've seen very less number of people like you who does good financial advice. So honest financial advice is very important. Secondly, what you are doing is, through your app, you know, Imperial Money, what you are promoting, and you know, I think it is a fantastic effort. Thank you. I would say you will do very well in life. Thank and you. Also to I hope you know your all your investors or your investing colleagues will be very very happy with you, and you know आगे जाके भी आपको अच्छा ये मिलेगा। I think you know you are doing a fantastic job, and all the best to you. Thank you sir, thank you very much for sparing your time sir, thank you.